हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं अजीत अगरकर गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे वीडियोस में हम अमूमन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो उसके बाद जुड़ा करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, लेकिन यहां पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आए हैं। पहले क्यों आए हैं? क्योंकि 22 जुलाई तारीख आप याद रखिए और तारीख याद रहेगी भी, और उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में ये तारीख अच्छी वजहों से याद रहे, क्योंकि 22 जुलाई को एक तरीके से गौतम गंभीर अनवील हो रहे हैं एज इंडिया कोच और उनके साथ अजीत अगरकर भी, यानी कि दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग, कप्तान एक ऑब्वियसली और इंपॉर्टेंट होता है, उनके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार होते हैं इंडियन क्रिकेट सिस्टम में, एक हेड कोच गौतम गंभीर जो अपनी अपॉइंटमेंट के बाद पहली बार आएंगे और दूसरे अजीत अगरकर जो चीफ सेलेक्टर हैं। तो आपके मन में जितने भी सारे सवाल हैं, हार्दिक पांड्या का मसला कैसे बिगड़ा, शुभमन गिल का राइज जो एज वाइस कैप्टन हुआ है उसके पीछे की सोच क्या है, ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर बाकी लोगों के मन में यह है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, संजू सैमसन ओडीआई टीम में क्यों नहीं है, रविंद्र जडेजा क्या क्या ओडीआई करियर खत्म हो गया है, इन सब पर आपको जवाब मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक एक डिटेल कि क्या कुछ है। 22 तारीख तो आपको पता चल गई कि 22 जुलाई, लेकिन किस वक्त पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कैसे आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपको बताते हैं। और 10 बजे नोटिफिकेशन की घंटी बजा कर रखिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स तक पर भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। गंभीर अगरकर पीसी, एक एक चीज जो आपको जाननी है वो है कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुंबई में, यानी कि मुंबई में मौजूद होंगे अजीत अगरकर और गौतम गंभीर और वहां पर वो मीडिया को एड्रेस करेंगे और अपनी अपनी कैपेसिटी में, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की कैपेसिटी में, जो भी सवाल होंगे मीडिया के या फिर आप लोगों के ही जो लगातार रिपोर्ट चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, क्या रविंद्र जडेजा वाकई ओडीआई में ड्रॉप हो गए हैं या उनका रेस्ट है, ये भी पता चल जाएगा। हार्दिक पांड्या क्या फिटनेस ही एकमात्र इशू था या फिर कोई और बात रही थी, उसके ऊपर डिस्कशन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या वहां पर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जो पेशी मैनेजमेंट थी उनसे भी सवाल जवाब हुए थे, करंट सेट ऑफ प्लेयर्स से क्या पूछा गया था जब कप्तान की चॉइस पूछी गई, तो एक एक चीज वहां पर क्लियर हो सकती है। ये पीसी क्यों हो रही है, कब हो रही है, आपको पता ही है कि भारत को श्रीलंका जाना है, वनडे और टी20 सीरीज है वहां पर, उसके लिए ये एक तरीके से प्री डिपार्चर पीसी हो गई। T20 कप्तानी, अच्छा इसमें मुद्दे कौन कौन से हैं जो डिस्कस होने, वहां पर T20 की कप्तानी है, हार्दिक एंड लीडरशिप इसमें क्या पूरा का पूरा मसला है, दूसरी चीज है ट्रांजिशन, क्योंकि आप देख रहे हैं T20 क्रिकेट में ट्रांजिशन है, टेस्ट में भी हो सकता है आपको फेस करनी पड़े, ओडीआई में रविंद्र जडेजा क्या वो ट्रांजिशन वाला ही पॉइंट है, और उसके अलावा विजन, गौतम गंभीर बतौर हेड कोच विजन क्या लेकर आ रहे हैं, यानी कि उनकी T20 टीम की सोच क्या होगी, जहां पर सवाल है कि अभिषेक ऋतुराज क्यों बाहर रह गए, कुलदीप यादव का क्या है, कुलदीप यादव श्रीलंका जा तो रहे हैं लेकिन सिर्फ ओडीआईज के लिए, वो T20 में नहीं है, वहां पर रवि बिश्नोई है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर क्लियर होंगी। और जैसे मैंने आपको बताया समय क्या है, 10 बजे स्पोर्ट्स तक पर हम सुबह से आपके साथ लगातार जुड़ेंगे, एक एक चीज एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और जो भी होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स तक पर पता चलेंगी। और इसीलिए मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि नोटिफिकेशन घंटी वो जरूर बजा लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जैसे हमारे पास अपडेट होगी, तुरंत आप तक बात पहुंचेगी कि भाई अजीत अगरकर और राहुल अजीत अगरकर और गौतम गंभीर वो दोनों जो है अब प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं और वहां पर सवाल ले जाएंगे जो शायद इंडियन क्रिकेट से जुड़े हुए इस वक्त बहुत ज्यादा सवाल ऑलरेडी चल रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है भारतीय क्रिकेट के लिए और एक न्यू एरा, अगर हम बात करते थे लगातार बीते जो T20 वर्ल्ड कप्स रहे थे दो, हमें लगता था कि अब न्यू एरा है, लेकिन ये वाकई में न्यू एरा है और साथ ही साथ गौतम गंभीर एरा की भी स्टार्ट है। तो उम्मीद यही करते हैं कि इस एरा में और इस पार्टनरशिप में सब कुछ अच्छा ही रहे और उसकी शुरुआत, उसकी झलक उन जवाबों में आपको जरूर मिलेगी। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफी लोगों को अभी भी नहीं पता है, वो भी पूछ रहे हैं कि किस वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो बता दीजिए कि इस वक्त पर इंडियन क्रिकेट से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 तारीख सुबह 10 बजे है, जिसकी सारी जानकारी आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब भी जरूर करें। अभी के लिए आपसे इजाजत देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।